भगत टेक्नो आईटी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को इंडियन रेलवे जो IRPS का वेबसाइट है वहां पे कुछ क्या रिक्वायरमेंट होती है टेंडर मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो, मुझे काफी कॉल्स आए और बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट आया कि मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है और मैं इसको बराबर से जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंडियन रेलवे में मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, ये इंडियन रेलवे के वेबसाइट यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, तरह तरह का एरर्स जनरेट होता है प्रॉपर वे से। तो ये जो एरर्स आते हैं आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्या आपके लिए पास सॉल्यूशन? सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास GST होना चाहिए, Class 3 ऑर्गेनाइजेशन का DSC होना चाहिए। यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन था कि नॉर्मल DSC और ऑर्गेनाइजेशन के DSC में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे DSC का इंस्टॉल कर लिया है, मैं आपको ये भी यहाँ पे समझा देता हूँ जो कैसे पता चलेगा आपका नॉर्मल DSC है और ऑर्गेनाइजेशन का DSC, ये दोनों में कैसे डिफरेंस आप पता करेंगे ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मेरे पास ई पास का ये टोकन है, जो भी कंपनी का आपका DSC रहेगा उस कंपनी का टोकन होता है, उसके ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे यही पास का खोला है, यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे DSC का पिन, जब आप DSC बनाते हैं तो आपको पिन मिलता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे DSC लगाया तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अमर एंटरप्राइज। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे दिख के आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपका क्या है। सेम अब मैं आपको दूसरे DSC पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वो DSC को निकाल दिया और दूसरा DSC यहाँ इंसर्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर भी यही DSC देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या दिख रहा है? पर्सन। बाकी यहाँ पे पूरा का पूरा सेम रहेगा पर यहीं पर चेंज मिलेगा। तो जो पर्सनल लेवल पे DSC होगा वो IRPS को नहीं यूज होता है, वो IRPS में नहीं चलेगा। आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनाइज एक साइन का, दूसरा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, पर मैं सेफर साइड आपको इंक्रिप्शन के लेने के लिए बताता हूँ ताकि आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ये DSC से आप हर जगह काम कर पाएंगे, जैसे कि CPWD का टेंडर भर सकते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर भर सकते हैं, जो भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जगह पे ये DSC आपका चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल DSC बहुत जगह पे बहुत सारे साइड में नहीं चलती जिस पर ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल लिखा है। तो ये आपको DSC बनाते वक्त ही होगा। यदि आपके पास ऑलरेडी पर्सनल DSC है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आपको नया DSC ही बनाना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नेचर हम भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर DSC बना के दे देते हैं। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहला आपका सॉल्यूशन DSC का, GST सर्टिफिकेट आप लोगों को पता है, ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है और दो PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको वहां से वो PDF लिंक आप डाउनलोड करके वो PDF का फाइल में आप साइन, ऑर्गेनाइजेशन का साइन वगैरह सब कुछ एकदम फॉर्मेट भरा हुआ दूंगा ताकि आपको भरने में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉपर वैसा ही भरना है सब कुछ, उसके फॉर्मेट भरा हुआ भी फॉर्मेट और रेडी फॉर्मेट मतलब जो आप भरेंगे वर्ड के फॉर्मेट, वो दोनों में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और वहां से आप ले सकते, डाउनलोड कर पाए। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो आपको उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपके सिस्टम में चलता नहीं। तो आपके सिस्टम का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये IRPS के वेबसाइट से ही मैंने ये डाउनलोड किया है। तो आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर होता है वो इंटेल i3, i5 और i7,
इसमें से कुछ भी चलेगा, रैम 4 GB पर उससे ज्यादा होना चाहिए, ऐसा उनका रिक्वायरमेंट है। पर मैं रैम 2 GB पे भी काम किया हूँ, उससे भी मेरा काम चल जाता है, पर एटलीस्ट इंटेल i3 होना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, कम से कम विंडोज 7 चाहिए, या उसका बाद का कोई भी वर्जन चलेगा। विंडोज 8 और 8.1 में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होता है, तो 8 और 8.1 रहा तो एटलीस्ट मेरा ऐसा रिकमेंड है कि आप 10 में कन्वर्ट कर लो, पर हो जाता है, पर विंडोज 7 या फिर विंडोज 10 ही यूज कीजिए। ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 10 होना चाहिए। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये कैसे पता चलेगा, ये सब आपके सिस्टम में कैसे आप देख सकते। जावा आपको मिलेगा, कहाँ से जावा डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जावा का प्रॉपर वर्जन होना चाहिए, कौन सा वर्जन होना चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। वर्जन होगा वर्जन 8 अपडेट 161। टोकन ड्राइव, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, टोकन के ड्राइवर्स है ये आपको डीएससी में मिल जाते हैं। जब आप डीएससी कोई परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे डीएससी लगाने के बाद आपके माई कंप्यूटर में यहाँ पे डीएससी का ड्राइवर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप ई पास पे जाएंगे, यदि जो भी कंपनी का टोकन का ड्राइवर होगा यहाँ से डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये ड्राइवर, टोकन का ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। क्लास 3 का ही डिजिटल सिग्नेचर चाहिए विद ऑर्गेनाइजेशन नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी है 2 Mbps, बहुत ही नॉमिनल है। आजकल कोई भी फोन में, मोबाइल फोन में भी 2 Mbps का स्पीड मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा इंटरनेट का स्पीड होना जरूरी है, पर इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है काम आपका, हो जाता है, थोड़ा स्लो चलेगा बट हो जाएगा। अभी ये सभी चीजें हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा आपके सिस्टम प्रॉपर है। तो पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम और ये कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करें, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर दिलाना है, यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर मिलता है, या फिर आप कोई भी फाइल या ब्राउजर ओपन कर दीजिए, जैसे कि विंडोज ये शॉर्टकट है माई कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे आपको दिस पीसी मिलेगा, डिस्क हिस्ट्री पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिला। यहाँ पे मेरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 प्रो 7 या उसके बाद चाहिए तो विंडोज 10 है, चलता है। इंटेल का i3 है, ये भी चल जाएगा मुझे, i3 i5 i7 कोई भी होने से चलता था, तो i3 चल जाएगा। रैम 4 GB है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 4 GB है, 64-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम। जब विंडोज आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो उसमें 32-bit आता ही नहीं है, 64-bit के अंदर। तो मेरी पहली के पहला जो रिक्वायरमेंट था ये मेरा फुलफिल हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे इंटेल i3 है मेरे पास, रैम भी 4 GB है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 और लेटर मतलब विंडोज 10 है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। टोकन का ड्राइवर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी आते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका, ब्राउजर, ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करें। तो ब्राउजर जैसे मैंने खोला है तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउजर बराबर है। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउजर में आपको क्या चाहिए, विंडोज, अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउजर में कौन सा वर्जन बोला है, विंडोज वर्जन 10 और लेटर, विंडोज वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर का 10 और उसके बाद का होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट का अल्ट की दबाना है, लेफ्ट का अल्ट, अल्ट की आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ से भी समझा देता हूँ। लेफ्ट का अल्ट आप गूगल में सर्च कर देता हूँ मैं आपको, लेफ्ट अल्ट इमेज, लेफ्ट और राइट दोनों साइड अल्ट होता है आपको ऐसा कीवर्ड्स। तो ये अल्ट का, ये लेफ्ट का बटन दबाना है और आप कहीं पर भी क्लिक करके रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और लेफ्ट का अल्ट दबाता हूँ, यहाँ मेनू बार खुल, यहाँ पे हेल्प में जाना है और अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना। देखिए यहाँ पे वर्जन आ जाएगा, ये वर्जन कौन सा है मेरा, 11, 10 के बाद का कोई भी वर्जन चलेगा। हमेशा याद यूज कीजिए लेटेस्ट वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जो भी लेटेस्ट होगा। तब ये 11.65 है, ये अभी लेटेस्ट है और ये चल जाता है। यदि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट 10 के साथ ही आता है। विंडोज 7 यदि यूज कर रहे हो तो आपको ये इंटरनेट एक्सप्लोरर अपग्रेड करने की जरूरत हो सकती है। तो हमारा यहाँ तक था, हमारे पास यहाँ पे जो भी थे वो बता दिया। अभी आते हैं जावा, तो जावा कहाँ से डाउनलोड करना है,
आप जावा के वेबसाइट से डाउनलोड जावा डाउनलोड कर सकते। जावा आपको वर्जन वर्जन चाहिए, वर्जन 8 अपडेट 161 याद रखना है, ये आपको वर्जन, ठीक है, 161 32 बिट का चाहिए। 64 बिट का आपका सिस्टम हुआ तब भी 32 बिट का ही आपको डाउनलोड करना है, 64 बिट का नहीं करना है, 32 बिट का ही डाउनलोड करना। आप चाहो तो जावा के वेब जावा का जो ओरिजिनल वेबसाइट है java.com/en/download यहाँ से भी आप जावा का डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड आपका जावा हो जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट वो लिंक पे क्लिक करेंगे कि डायरेक्ट जावा डाउनलोड पर्टिकुलरली वर्जन हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो जावा वर्जन आ रहा है वो वर्जन 8 अपडेट 301 आ रहा है, जिसको मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मुझे ओल्ड वर्जन यूज करना है। और याद रखेंगे 64 बिट नहीं यूज करेंगे, 32 बिट यूज करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओल्डर वर्जन करके, सी ऑल जावा डाउनलोड, यहाँ पे आपको अपने को विंडोज के लिए चाहिए, तो विंडोज ऑनलाइन, विंडोज ऑफलाइन, ये अभी लेटेस्ट वर्जन ही हो रहा है, ये नहीं चाहिए अपने को, ऑल जावा डाउनलोड। मैं इसके लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहां से आपको मिल जाएगा। मैं इसके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आपको वही जावा यूज करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक बातें थी जो सिस्टम के लिए वो मैंने आपको बता दिया, ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होना ही चाहिए, ये एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसको छोड़ के आपके सिस्टम के कुछ सेटिंग्स की जरूरत है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जावा, और फिर टेंडर भरने का प्रोसेस, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। आपको जो पूरा एकदम शुरू से लेके बेसिक से लेके एकदम पूरा एडवांस वर्जन तक चाहिए, तो फिर आप हमारे ऐप भगत टेक्नो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसके पूरे फुल वर्जन, मतलब सबसे एकदम बेसिक जावा इंस्टॉलेशन, ड्राइवर, सब कुछ, सबके सॉफ्टवेयर के ड्राइवर, सब कुछ आपको वहां पे आपको मिलेगा, वहां से लेके एकदम सब बेसिक से लेके आपको सब कुछ वहां पे आपका वीडियो डाला हुआ है, टेंडर भरने के प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, एफिडेविट वगैरह सबका फॉर्मेट, सब कुछ आपको वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप वहां से हमारे भगत टेक्नो, ये आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये हमारे भगत टेक्नो ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और फिर आप वहां से आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख पाएंगे, यहाँ पे टेंडर भरने के प्रोसेस का साथ सर्विसेज के, प्रोडक्ट के, ऑक्शन के सभी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन के भी सबके सब। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत, थैंक यू।